संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया दे सज्जना दा। प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक ते सोशल जिहड़े जिहड़े मंचां नूं तुसीं रिप्रेजेंट करदे हो, साडियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां लाइव दिखाउंदे हो जां बाद च उहनां नूं लोकां सामने पेश करदे हो, तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं छोटे सदे ते आ जांदे हो ते तुहाडे भी सवालां दे जवाब हो जांदे ने। हर रोज़ लगभग हर रोज़ ही हो जांदे। अज जिस विषय ते प्रेस कॉन्फ्रेंस असी कर रहे हैं, विकास जी पिछे उनको साइलेंट कर, अज बहुत गंभीर विषय ते PC हो रही है। आम आदमी पार्टी आम लोगों चो निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है ते आम आदमी पार्टी वो बड़े बड़े धनाडा दे जां जे सीजनल पॉलिटिशियन ने उन्हां दे खिलाफ आम लोगों नूं जिता लैंदी है। ये हिस्टरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2015, 2020, 2019 जिहड़ियां इलैक्शन लड़ियां, शायद तुहाडे चो भी बहुत सारे अजे होणगे जदों आम आदमी पार्टी बनी तां शीला दीक्षित जी नवीं दिल्ली तो चोण लड़दे ने, स्वर्गवासी शीला जी, वह मुख्यमंत्री सी 3 बार दे। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार इलैक्शन लड़ रहे सी, अंदोलन चो निकली हुई पार्टी सी। देश दे घट्टो घट 80% ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों ने कहा सोचा यार नहीं कितों होर लड़ लेंदे, 2-4 सीटां आ जांदियां, शीला दीक्षित दे खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है। पर अरविंद जी ने, क्योंकि कैप्टन जिहड़ा हुंदा है वो लीड करदा है, अरविंद जी ने कहा मैं इत्थों ही लड़ूंगा। तां शीला जी जदों वोट पाउण गए अपने बूथ ते तो उन्होंने ये पूछा गया सी सवाल मीडिया वालों कि अरविंद केजरीवाल का कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने जिहड़ा जवाब सी उस थोड़ा जिहा हंकार झलकदा सी, कहिंदे हू इज़ केजरीवाल। तो जो रिजल्ट आए 4 दिन बाद पता लग गया उन्होंने कि केजरीवाल कौन है। 2 बार उन्होंने हराया नवी दिल्ली, जो मैनू टिकट मिली 2014 तो मेरे सामने दोनों MP सी, सुखदेव सिंह ढींडसा सिटिंग राज्यसभा MP ते प्रकाश सिंह बादल होरां दे राइट हैंड, विजेंद्र सिंगला सिटिंग लोकसभा MP ते राहुल गांधी होरां दे राइट हैंड। साडे कोल कोई वर्कर भी नहीं सी, साडे कोल कोई संगठन भी नहीं सी। मैं पिंड दे विच जांदा सी, मैं माइक फड़दा सी, रैली शुरू माइक रखदा सी, रैली खत्म, कोई आले दुआले भी बोलण वाला नहीं सी। पर 2.25 लाख ते पंजाब सब तो बेस्ट मार्जिन ते एक आम घर दे मुंडे नूं उन्होंने सीजनल पॉलिटिशियनां तो जताया। जे 17 की गल कर लीए तो 17 दे विच भी दलजीत सिंह चीमा मिनिस्टर सीगे, 3 नंबर ते आए, 30,000 ते हारे आम घरां दे मुंडे तों, अमरजीत संधोआ, परमल होरां ने बड़े बड़े धनाडा नूं हराया। ते इस बार दी गल कर लीए
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ। ਲੀਕਰ ਕਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਧਨਾਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮਕਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਵੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਹੌਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗਾ। ਲੜੋ ਜੀ, ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ। ਲਗਭਗ 14.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, 9.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਮਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲਈ, ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ 2-2 ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚੋਂ।
तो लोग इस गलों दुखी ने कि आम लोगों वैसे तो कहा जाता है कि यूथ यूथ को आगे आना चाहिए, सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए, यूथ आने कहता है, पर आन कितों की दरवाजे बंद ने, सारे दरवाजे बंद कर रखे ने, सिर्फ आपदे परिवार वास्ते दरवाजे खुले ने। सो आम आदमी पार्टी के आम उम्मीदवार जिहड़े ने वो इस बार बड़े बड़े तनाड़ां नूं हराउणगे, तो ये भी हिस्टरी दे विच लिखा जाऊगा कि पंजाब दे विच 2022 जिहड़ी चोण होई उहदे विच जिहड़े सीजनल पोलिटिशियन कहाउंदे सी अपने आप नूं, जिन्हां दे 40-40 50-50 साल की राजनीति होगी, जिन्हां दी उहनां नूं 30-30 35-35 साल दे जवाकां ने हराया। एक साडा MLA है प्रकाश जावरकर दिल्ली, जिस वेले पहली इलेक्शन लड़ी जी 28 सीटा आईया सी, उन्हें टिकट देती, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, टिकट देती तो बाद च पता लग गया वह 25 साल का नहीं है, कहिंदे यार होर लभो कोई, फिर बाद एक होर गल पता लगी कि जिदे नोमीनेशन का आखिरी दिन है उस दिनों 25 साल का हो जूगा, कहीं ठीक है चलो इसे आखिरी दिन भर देंगे। आखिरी दिन जिदे 25 साल का होया उन्हें कागज़ भरे, बूटा सिंह दे बेटे नूं उन्हें 30,000 तों वध वोटां ते हराया, ते अज उह तीजी बार MLA है, उम्र उहदी सिर्फ 32-33 साल है, क्योंकि उह 28 दिन दी सरकार सी, साल हो गया 26 दा हो गया, 5 हो गए 31, 2 आ हो गया, 32-33 साल दी उम्र है, इंडिया दा रिकॉर्ड है कि 33 साल दी उम्र च तीजी बार MLA है। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, नहीं इधर तो जुत्तियां घस गई लोगों दियाँ, लोग पैरियां थलाउंदे, कई पीढ़ियों के पैरियां थलाउंदे बुढ़े हो गए, पर जिला प्रधानगी तक भी नहीं पहुँचते। सो आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो आम लोगों को मौका दे रही है, और आम लोग जिहड़े ने वो राजनीति जो आउणगे तो समझ लो आम लोगों की सरकार आऊगी, ये अज का मेरा विशा सी। देखो एक कांग्रेस का आपका इंटरनल है कि वो लेडीज़ नूं टिकटां नहीं दिंदियां, कल मैं देखिया सतविंदर बिट्टी, दमन थिंद बाजवा उन्होंने टिकटां कट्टियां है ना, सतकार कौर उन्होंने टिकट भी कट्टी। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार साढ़े को 3 महिला MLA सी, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, रुपिंदर रूबी ते मैडम माणूके। इस बार असी साड़ी जिहड़ी जिन्नी भी लेडीज़ साड़ियाँ उम्मीदवार ने पढ़िया लिखिया ने, प्रोफेसर बलजिंदर कौर तलवंडी साबो तो, डॉक्टर बलजीत कौर फेमस आई सर्जन मलोट तो, मैडम सरबजीत कौर माणूके जगराओं तो, नीना मित्तल राजपुरे तो, नरेंद्र कौर जिन्हें ला भी कर लिया क्योंकि नाल नाल पढ़ती भी रही, लॉ किया उन्हें, नरेंद्र कौर भरा अज संगरूर तो, छीना मैडम ने पढ़े लिखे ने लुधियाने तो, डॉक्टर जीवनजोत कौर ईस्ट तो, डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा मोगे तो, साढ़े जिन्ने भी महिला उम्मीदवार ने वो बहुत पढ़े लिखे सूझवान, तो डिसीजन मेकिंग काबिलियत वाले ने, ते बाकी मैनू नहीं पता कांग्रेस ने किन्ने परसेंट इत्थे कीतियां ने जां BJP ने जां किन्ने ने। सो कल प्रियंका जी की भी उदाहरण दिती जा रही सी, मैं एक वीडियो देखी है जिहड़े सुनाम तो टिकट कटी है, वो कहिंदे सी लड़की हूँ लड़ना जानती हूँ, तो फिर साथों की गलती हो गई, और एक कुड़ी का ये कहना यंग लड़की है कि मेरी गलती यही रह गई बस कि मैथों प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पैरों च नहीं पै गया। मतलब इट्स शेमफुल कि जे इदा कहना पै रहा है कि वो जिहड़े
टिकट दिती है वो मुताबिक यह है कि अपने भतीजे नूं जगह खाली करने वास्ते उन्होंने सुनाम की टिकट जी देखो चन्नी साहब के भाई तो टिकट मिली नहीं ठीक है ना सो ये हुण आपस दे विच ईस तो लड़नगे मैं तो यही कह कि एक तीर ना दो निशाने अमृतसर के लोगों नू मिले ने तो दोने जड़े ने हारनगे डॉक्टर जीवनजोत कौर झाड़ू ਦਾ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੈਡ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ देखो मेरे नाल तां कदे इदां होया नहीं देखो भी मेरी फेसबुक बहुत वड्डा पेज है मेरा ते ट्विटर दा मेरा मेरे नाल तां कदे इदां होया नहीं कि मैनू कोई धमकी आई होवे जां मेरा कोई डिलीट कीता होवे कोई मेरा पोस्ट क्योंकि मैं इस तरह की पोस्ट पाउंदा ही नहीं जिहड़ी कोई नफरत भरी होवे जां कोई किते बखेड़ा पाउंदी होवे सो ये राहुल गांधी जी नूं पता होना कि उन्हां दा पहला अकाउंट एक बार बंद भी हो गया सी बाद चल गया सी ते इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जिहड़ी कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी उहदे जिहड़े चेयरमैन ने वो शशि थरूर जी ने सो ये उन्होंने वध पता होगा कि नहीं सारे पंजाब नूं फोकस कर रहे हैं जी असीं सारे पंजाब इस बार हुण कल तो केजरीवाल साहब आउणगे 28-29 उस मालवा भी है माझा भी है दुआबा भी है अं सारे जो कवर करा हाँ जी नहीं नहीं असी ये दस्या कि आम लोग जिहड़े ने वो जितते होंगे ने जो लोग लड़न उन्हां वास्ते जरूरी नहीं कि धनाड़ कहन भी मैं मेरी सीट तो पक्की है लोकतंत्र च लोग वड्डे होंगे ने लोग जदों चाहुण बंदा अरश ते लोग जदों चाहुण बंदा फर्श ते यहाँ पर बदलाव का कारण भी वही है लोग दुखी हैं लोगों ने दोनों पार्टियां देख ली परख ली अच्छी तरह से दो दो तीन तीन चार चार मौके देख लिए 1967 में पहली बार पंजाब जब अलग हुआ था हरियाणा से तो 66 में उसे 67 में पहली बार चुनाव हुआ था 25 साल उसमें कांग्रेस है 19.5 साल अकेला बादल परिवार है बाकी बरनाला सुरजीत सिंह बरनाला के अभी और बाद में राष्ट्रपति राज भी रहा है 44.5 साल इन दोनों को देके देख लिए लोग अब कह रहे हैं हम नए क्योंकि हमारी दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो अब पंजाब के लोगों तक पहुंच गई शायद 17 में उस समय तक हम 2 साल में उतने काम कर भी नहीं पाए थे कंप्लीट नहीं हुए थे तो अब लोगों को पता है कि दिल्ली का जो मॉडल है अगर वहाँ करप्शन नहीं है वहाँ हस्पताल अच्छे हैं स्कूल अच्छे हैं
हाँ बिजली की दिक्कत नहीं है, तो पंजाब में भी हम ऐसी सरकार चाहते हैं। वो एक मौका अरविंद केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका झाड़ू को वो देना चाहते हैं।